बैर भाव के कारण शिव निंदा करने लगे और उसी समय वहां शिव प्रकट होते हैं और शिव जी के ही अंग से एक तेज निकलता है, उसका नाम ही भैरव होता है। और वो तेज, वो भैरव जी ब्रह्मा जी का एक मुख काट देते हैं। ब्रह्मा जी का एक मुख कट जाता है। शिव जी का कहना, भैरव तुमने ब्रह्मा जी का मुख क्यों काटा? भैरव जी कहते हैं, प्रभु ये आपकी निंदा कर रहा था। शिव निंदा ना तो सुननी चाहिए और जो सुनाता है उसको दंड देना चाहिए, इसलिए मैंने स्वयं ब्रह्मा जी का ही मस्तक काट दिया। भगवान भोलेनाथ कितने बोले हैं देखिए, भगवान भोलेनाथ वहां उपदेश करते हैं भैरव को कि भैरव भले ही इसने शिव निंदा की लेकिन ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, प्रजापति हैं, तुमने अपने से बड़े का सिर काट दिया, तुम्हें ब्रह्महत्या लग जाती है। और तब का भैरव जी को ब्रह्महत्या का लगना, ब्रह्महत्या का मार्जन के लिए शिव जी का बताना कि पूरे ब्रह्मांड में जाकर जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी पवित्र नदियां हैं, उन सब का स्नान करो, तीर्थों का दर्शन करो और दर्शन करने के बाद तुम्हारी ऊपर से ये ब्रह्महत्या हट जाएगी। तो स्वयं भैरव ही पूरी सृष्टि को में सारे तीर्थों का विचरण करने लगे। विचरण करते करते सभी तीर्थों का गए, सभी नदियों में स्नान किया, सभी देवालयों में दर्शन गया। जहाँ जहाँ भैरव जाते वहाँ वहाँ ब्रह्महत्या उनके पीछे चलती। और अंत में तो जैसे ही काशी में गए और काशी में गंगा के अंदर स्नान किया और विश्वनाथ जी का दर्शन किया, ब्रह्महत्या नष्ट हो गई और कार भैलव ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो गए। बोलो काशी नगरी की जय हो। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए, उन्हीं को विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ भगवान ने आज्ञा दी, भैरव तुम ही मेरा रूप काल भैरव होगे।